तुझे पता वो स्पेशली मुझे दूध पिलाती थी। सीट बेल्ट लगा ले। लगा रही हूँ, बारिश हो रही है। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। तूने क्या मेरी वाली हुडी लगाई है यार? तो क्या तो अच्छे है, कंफर्टेबल है। तेरे को कुछ और नहीं मिलता लगाने को? गट्टू को भी अच्छी लगती है, गट्टू को भी अच्छी लगती है। मैंने ना अपने कपड़े छुपा देने हैं, ये बड़ा गंद डाला हुआ है। तू मेरे कपड़े डाल के घूमती रहती, कभी शर्टे कभी कुछ। क्या एक बार ही डाला है? मेरे पास इतने कपड़े पड़े हैं अपने लगाए थे, मेरे नहीं लगाए थे, मुझे नहीं पसंद मेरे कपड़े लगाए। इतना क्या कर रहे हो? अगर मैंने डाल ली तो इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं है। तीन चार रोटियां हैं मेरे पास, उनमें से जो बची कुछ जो पसंद है मुझे, ये तू लगा रही है। तो मुझे कलर अच्छा लगा और मेरे पे अच्छी भी लग रही है ये। शीशा मत खोल यार, बारिश हो रही है तभी बोल रहा हूँ, बुखार हो जाएगा इसे। मुझे नहीं पता यार ऐसे कौन करता है अर्पित। लिपस्टिक चाहिए, नेल पॉलिश, मैं ये सब लगाती नहीं। बकरी की पेट पागल हो तुम भी, तुम्हें मुर्गी की पेट मुर्गी की पीठ नहीं होती। मुझे बर्थडे पे ना कोई ट्रिप गिफ्ट करना, ठीक है? ठीक है, पक्का डन डन। इसका देखो मंकू, वो कौन है? वो कौन है? तो चलिए शुरू करते हैं। वो लगा म्यूजिक, लगा मजा आएगा। एफएम लगा ले, कोई म्यूजिक लगा ले, कोई थोड़ा सा बाहर की अच्छी हवा आ रही है ना। बात कर करे को मेरे नहीं सुनता। क्या हुआ? क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ? ये गाना सुन के मेरे को अपनी एक्स की याद आ गई। इसके इधर आ जा। ऐसे ही हम लोग जाते थे राइड पे, ऐसे ही। और मेरे साथ आए हो ना, ये क्या कर रहे हो अभी? हम लॉन्ग ड्राइव पे आए हैं ना। इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया तुझे पता है उसके भी बहुत बड़े बड़े थे। क्या हाथ? बस करो प्लीज अरबीत, मेरा ना आज मूड बड़ा अच्छा है एंड लॉन्ग ड्राइव पे आया हूँ, ये सब मत करो प्लीज। मैं वही तो बोल रहा हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा था, अचानक से दिमाग में आ गया उसका तो ख्याल। गाना भी ये हमारा फेवरेट सॉन्ग था, पता है हम लोग ये मैं क्या करूँ। हमारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है बताना मुझे, हमारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? ये फंस गया, मुझे नहीं पता। तेरे तो बहुत सारे हैं पल्लवी, एक नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मेरा फेवरेट सॉन्ग, I don't remember. मत पूछ यार मेरे से, मैं अभी थोड़ा अपसेट हूँ यार, दिमाग में वो चीजें बार बार घूम रही है यार। तुझे पता यही मतलब उसको ना बड़ा पसंद था, पता है जब हम ट्रैवल करते थे रास्ते पे उसको बड़ा पसंद था। वो मैं हमेशा बोलती थी हिला दूं हिला दूं हिला दूं, मतलब हिलाती रहती थी जब भी हम ट्रैवल करते थे मेरे बालों को ऐसे, मुझे वो फेरती थी ना बाल जब हाथ पे, तो बड़ा अच्छा लगता था। साले दिमाग खराब, मेरा भी मूड ऑफ कर रहे हो। फक यार, दीस ओल्ड मेमोरीज यार, आई होप यू अंडरस्टैंड। पल्लवी मेरे को नहीं जाना यार कहीं लॉन्ग ड्राइव पे, सीधे घर चलो अब। व्हाई आर यू रनिंग? उसने कभी शर्म नहीं की जब मैंने बोला वो देने के लिए रेडी बैठती थी, पता है? ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लौंडा। इज्जत रिस्पेक्ट। और आज भी अगर मैं बोलूंगा वो देने के लिए रेडी है रिस्पेक्ट।
कहां से ये गाना चल गया और ये सारा दिमाग में अचानक से चीजें ना फ्रस्ट्रेट कर रही है। बट मेरे सामने क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? I'm sorry पल्लवी, I'm sorry। मुझे बुरा लग रहा है यार, हद कर रहे हो, बस करो। उसके बहुत बड़े बड़े से पता है आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी उसकी। मारूंगी तो बाप। बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, सब याद आ रहा दिमाग में। I'm sorry पल्लवी यार, पता नहीं क्यों मैं ऐसा हो गया, मेरे को ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अब तो मेरी लाइफ पार्टनर है और मेरे को ये सब बातें नहीं शोभा देती बोलना। बट कभी कभी क्या होता है लाइफ में ना, कुछ चीजें इमोशनली आ जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यू आर माय लव ऑफ माय लाइफ। क्या लव यार, मेरे सामने उसके लिए रो रही हो बैठ के। रो नहीं रहा, वो गाना चला फिर वो फीलिंग्स आ गई, वो कनेक्शन हो गया। कितनी बड़ी लॉन्ग ड्राइव पे गए, उसकी तो तुम्हारे पास कोई एक मेमोरी नहीं है। है मेरा ब्रेकअप थोड़ा हुआ है, अगर हुआ होता तो वो मेमोरीज भी याद होती। अभी मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में। तेरी वैल्यू मेरे लिए बहुत। तुमको थोड़ी सी शर्म ही नहीं आई ये सब बातें करते हुए? तुमने मेरे बारे में सोचा ही नहीं कि मैं हर्ट होंगी। I'm sorry. बकवास बंद करना। अब ये एरिया देख रही है, यहाँ पे हमेशा बोलती थी मैं चूस दूंगी तुम्हें एक बार मुंह में डालू हमेशा, क्योंकि यहाँ से पास से मिलती थी आइसक्रीम, तो मैं इसको लेके रहता था तो वही चूसती रहती थी। Really nigga? यार बे तुम कैसी बातें कर रहे हो? हर एक चीज उसको मेरी अच्छी लगती थी, हर एक चीज उसको पता है मुझे क्या खाने में अच्छा लगता है क्या नहीं पता। वो स्पेशली मुझे दूध पिलाती थी अरे मतलब अमूल का दूध, केसर वाला, उसको पता है मुझे अच्छा लगता है वो वाला दूध पिलाती थी वो मुझे। अबे साले फक मुझे यार, अभी ये सब बातें लग रहा है यार, मत करो ऐसी बातें प्लीज। मैं क्या करूं, मैं रो रही हूं मुझे यार, अगर तुमने ये सब ड्रामे करने थे मैं अच्छे के लिए अपने घर पे थी, क्यों आए तुम? आई एम सॉरी, लेट्स फॉरगेट इट। सारा मूड खराब करके रख दिया मेरा, सॉरी बेबी, मुझसे गलती हो गई। फक अच्छा बता क्या खाना है? मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे घर जाना है बस, और मेरे को मेरे घर जाना है। तो जब देखो भागने में लग रही होती है अपने घर पे, कोई छोटी सी बात हो मुझे अपने घर जाना। Why are you running? मुझे अपने ये छोटी बात है, मेरे को सुबह बोल रहे हो मौसम अच्छा लॉन्ग ड्राइव पे लेके, अभी अपनी एक्स की बातें करो। कब तुमने मेरे बारे में बातें की? कब तुमने बोला मुझे क्या अच्छा लगता है? मेरे बारे में कब सोचते हो? मेरा फेवरेट गाना क्या है वो तुमको पता नहीं है? यार कितना करती हूँ यार अर्पित मैं तुम्हारे लिए, तुमको कितना सपोर्ट करती हूँ हर चीज में, और तुम अभी मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तूने वैसे सपोर्ट नहीं किया जैसे उसने किया मुझे। गलत सपोर्ट किया उसने मुझे, उसने मुझे तोड़ दिया और तूने मुझे उसके पास संभाला। आज भी लेने का मन करता है पता है? ये क्या बकवास कर रहा है? फेवरेट आइसक्रीम यार वही जो उसको पसंद थी खाने में। बट लेकिन तुझे मीठा पसंद नहीं ना, तू आइसक्रीम खाती है, तुझे कुछ भी पसंद नहीं है, मैं तेरे लिए कब लूं? यही तो तभी चीजें याद आती है। I'm sorry, मेरे को नहीं करनी चाहिए थी ये सब बातें, बट मैं इमोशनली आ गया। बट आई लव यू एंड यू नो इट, तभी मैंने शादी की है ना। अब ये मत बोलना कि मैं तेरे को छोड़ के चले जाऊंगी या कुछ है। मेरे को मेरे घर छोड़ दो अभी पल्लवी, मैं तेरा पार्टनर हूँ। मैं चाहिए ही नहीं ऐसा पार्टनर यार जो अपनी एक्स के सपनों में जी रहा है। इमोशनल ब्रेकडाउन हर किसी की लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी अगर इमोशनल ब्रेकडाउन आ गया तो क्या है यार। तेरे को पता है एक पार्टनर कहाँ सपोर्ट करता है? इन्हीं सिचुएशन में सपोर्ट करता है। वो एक्स को मिस कर रहा है और मैं तुम्हें सपोर्ट करूं? मिस नहीं कर रहा, बस उसकी वो यादें ताजा हो रही है जो हमारी थी यादें, बस ऐसे मिस नहीं कर रहा मैं कोई। वो मेमोरी सामने इकट्ठे हो रही है, उसका वो आइसक्रीम चूसना, उसका वो मतलब छोटी छोटी बातों में नाराज होना, वो सब चीजें। मैं नाराज हूँ अभी, तुमको कौन सा फर्क पड़ रहा है? बट मैंने नाराज वाली तो कोई बात नहीं की ना, मैंने क्या बात क्या बातें कर रहे हो फिर तुम? फक यार पल्लवी, क्या थप्पड़ मारा जा रही है यार? मिस ही तो किया मैंने, कौन सा कोई गुनाह कर दिया? कौन सी उसकी कोई पप्पी ले ली मैंने जो ऐसी वो कर रही है तू? जस्ट वी आर ह्यूमन बीइंग्स यार, हमारे इमोशंस हैं, हम लोग हो जाते हैं।
those days यार यार मैं हार्ट हो रही हूँ बस करो अर्पित those days ये लॉन्ग ड्राइव पे लेके आए हो तुम मेरे को। अच्छा क्या खाना बता, क्या कॉफी या कुछ चाय पी? बोल चाय पी लो उसकी याद में, उसको बहुत पसंद है दूध, दूध बहुत पसंद है उसको। बड़ा पसंद करती थी वो दूध यार, मुझे तो उससे डबल पसंद था उसके दूध, उसका जो दूध लेके आती थी वो अमूल का केसर का बड़े पसंद थे मुझे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। I miss those days यार, I miss those days। तो चले जाओ वापस उसके पास, मेरे को क्यों कत्ल किया? तू इतनी सीरियस क्यों हो रही है? सीरियस वाली कोई बात नहीं है, पता है मैंने सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है लाइफ में हर किसी की आता है, मेरे को जस्ट गाना सुनाई दिया और मैं पिघल गया उसमें, और कुछ नहीं है जस्ट ए नॉर्मल थिंग। और तेरे को इस टाइम पे मेरे को सपोर्ट करना चाहिए, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरे सपोर्ट की जरूरत है। और तू यहाँ मुझे ऐसा सपोर्ट देना तुमको ना, मुझे ऐसी बातें सुननी है, मैं बस तुमसे एक फेवर मांग रही हूँ, ये सब बातें करना बंद कर दो प्लीज, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे बुरा लग रहा है, लिटरली थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो मेरी, डोंट टॉक अबाउट हर इन फ्रंट ऑफ मी एटलीस्ट। क्यों बुरा लग रहा है तुझे कि मैंने उसके बारे में बात की है, मैं इमोशनली ब्रेक हुआ, बता मुझे क्यों बुरा लग रहा है तुझे, जस्ट टेल मी दिस थिंग, क्या 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 बुरा लग रहा है तुझे, मुझे बस इतनी बार बता यार, के लिए यार क्या मेरा मिलने का मत कर रहे उसको। फक कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, बोल रही हूँ मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मजा आया ये सब चीजें तुमने पता नहीं शादी एक बारी मिलने चले उससे, सिर्फ एक बार प्लीज, एक बार दिला दे मुझे, एक बार ही नहीं तुम उससे हजार बार मिलो, जो करना है करो उसके साथ, मुझे मेरे घर छोड़ो। तूने नमस्ते लंदन भी देखी, उसमें भी तो अक्षय कुमार ने मिलाया था कैटरीना कैफ को, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फक यार मैं कितनी बड़ी डम थी, आज तुझे अक्षय कुमार बनना पड़ेगा, मैं कितनी बड़ी डम लड़की थी यार, मुझे ये बंदा हर टाइम हिंट्स देता था और मुझको समझ नहीं, मैंने कौन से हिंट दिए, ये फालतू के इल्जाम नहीं लगा, अरे बढ़िया ही हिंट वाली। मेरे घर जाना है, ऊपर वाले रास्ते से रहना। मैं नहीं घर लेके जा रहा अभी, तू पता नहीं क्या बोल देगी घर पे अपने की अर्पित को ऐसे एक्स के पास जाना है कुछ है काम, अच्छा नहीं लगता। मिले शर्म नहीं आ रही मेरे को ये सब बातें बोलते हुए, शर्म बेच खाई तुमने, हर्ट शर्म बेच खाई है मैंने, शर्म नहीं आ रही। It was just a prank. पहले भी सामने वीडियो बन रही है। वो उसको वो डार्ट टिश्यू पेपर को दिख जाएगा तेरे को। पहले भी एक बार ही मिला रे। एक बार ही मिला रे ना। So guys, it's time to end the prank. And एक बार ही So guys, it's time to end the prank. And then please, Palvi, ek bari bolna, aap subscribe nahi karte. Tere kehne pe karte the. Isko itna rulata rehta hu, main itna frustrated karta hu. To iske kehne pe kam se kam ek subscribe kar diya karo. Subscribe, bol ek subscribe maar do. Bolna. Kar do guys, subscribe. Please kar do. So guys, please don't forget to like, share and subscribe. Tab tak ke liye, bye, love you. Bane rahiye hamare saath. Next video ke liye. क्या बोलता रहता हूँ यार मैं भी यार बाय।